गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैंने वही कपड़े पहने हैं सुबह जो मैंने चैलेंज किया था, यू नो चाको वाला चैलेंज, आई होप आपने देखा हो। तो अभी मैं आपके साथ शेयर करूंगी मेरा ऑफिस वेयर। यू नो मैंने ये प्रॉमिस किया है कुछ मेरी प्यार प्यारी लड़कियों को, तो मैं ये शेयर करने वाली हूँ। उधर मेरे लोअर्स हैं, इधर शर्ट्स हैं, उधर गाउन्स हैं, इधर टॉप्स हैं। तो अभी फिलहाल मैं चाय पी रही हूँ, मिश्री ने चाय बनाई है और टाको वाको खा के मैं तो सो गई थी, इतना हैवी हो गया था बहुत ज्यादा। तो बस चाय पी रही हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ। संडे है, कहीं जाना नहीं है, कर्फ्यू चालू है। आप लोग क्या कर रहे हो संडे वाले दिन? लेट मी नो, कमेंट्स करके बताओ क्या कर रहे हो। बस गर्मियां तो बहुत तेज वाली आ गई हैं, बाहर इतनी ज्यादा धूप हो रही है। मैंने सोचा था कुछ प्लांट्स को यू नो रिपोर्ट करूंगी। मेरा स्नेक प्लांट इतना सारा हो गया है, एक ही पॉट के अंदर वो इधर से बाहर आ रहा है, इधर से बाहर आ रहा है। एलोवेरा भी ऐसे ही हो गया है, तो उनको यू नो डिवाइड करना है दूसरे दूसरे पॉट्स में, मैंने सोचा था। बट आज फिर इतनी गर्मी हो रही है कि धूप हो रही है, और फिर आज बाहर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बिकॉज ऑफ द कर्फ्यू हो गया है। तो चाय पीती हूँ, फिर आपके साथ शेयर करती हूँ। बताना आपको क्या अच्छा लगा, मतलब मेरे ट्राउजर्स हैं और लोअर्स हैं, जेगिंग्स हैं, स्कर्ट्स हैं। थोड़ा लंबा होने वाला है वीडियो, तो जाओ चाय शाय ले आओ आप भी, और मैं भी पी के शेयर करती हूँ। तो शुरू करते हैं। इसमें से शायद मैंने आपके साथ कुछ यू नो इनिशियली शेयर किया भी होगा, अगर रिपीटेड है तो इग्नोर कर देना। ये फर्स्ट थिंग जो मेरे हाथ में आती है वो ये शर्ट, इतनी प्यारी शर्ट है ना, मुझे बहुत बहुत प्यारी लगती है शर्ट। इसके अंदर मैं पिंक कलर का इनर पहनती हूँ और फुल स्लीव की शर्ट है ये। अब ये मत पूछना कहाँ से लाई थी बिकॉज आई डोंट रिमेम्बर, ये बहुत पुराने वाले कपड़े हैं। और इसका ना ये ऐसे है थोड़ा सा, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट, बट ये ऊपर नीचे होता है एंड यू कैन कीप इट आउट आल्सो। आप इसको डेनिम के बाहर भी रख सकते हो, अंदर भी पहन सकते हो, आई मीन टक भी कर सकते हो। तो एक ये है और एक ये है लॉन्ग शर्ट। मेरे सारे कपड़े ना आपको उल्टे मिलेंगे, उल्टे करके रखती हूँ मैं। ये मैंने अंदर से निकाले हैं अभी क्योंकि विंटर्स के तो अंदर रख दिए और समर्स के बाहर निकाल दिए। ये शर्ट है, दिस इज मेहंदी कलर, मिलिट्री ग्रीन कलर है, ऑब्वियसली प्रेस नहीं है, ऐसा है, लॉन्ग में है। तो इसको मैं जेगिंग के साथ पहनती हूँ एंड ये फिर से फुल स्लीव है, बहुत ही प्यारी शर्ट है। ये कैसी शर्ट है, सबके पास होगी, यू नो दिस इज अ डेनिम शर्ट जिसको मैं जीन्स के साथ टक करके पहनती हूँ, बाहर छोड़ती हूँ, जैगिंग के साथ पहनती हूँ, ब्लैक वाली जैगिंग के साथ। ये है, दिस इज वेरी नॉर्मल, ये तो आई थिंक सभी के पास होती है डेनिम की शर्ट। एक है ये व्हाइट शर्ट, व्हाइट शर्ट्स तो मत पूछो कितनी है मेरे पास, सभी के पास होती है। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल शर्ट, दिस इज आई डोंट नो इफ आई कैन एक्सप्लेन, बट ये कपड़ा ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला कपड़ा है, सुपर सॉफ्ट और एंड इट इज सुपर ट्रांसपेरेंट ऑल्सो। सो थोड़ा दिक्कत होती है पहनने में, बट यू नो यू वेयर अ व्हाइट इनर, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत बहुत प्यारी लगती है। नॉट श्योर दिस कैमरा इज डूइंग जस्टिस। कुछ ऐसी है व्हाइट शर्ट है, कपड़ा बहुत ही प्यारा है, बहुत प्यारा कपड़ा है। That was white and this is one shirt which I think every person, you know, मैंने पहले भी बोला होगा शायद कभी, हर इंसान के पास होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो, वो लड़की हो, अंकल हो, आंटी हो। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो, इफ यू आर अ कॉर्पोरेट प्रोफेशनल,
यू मस्ट हैव दिस कलर, दिस इज स्काई ब्लू कलर। ये टॉप भी है और शर्ट भी है, मतलब आप इसको जो बोलो। ये फुल स्लीव नहीं है, दिस इज अ लिटिल मोर देन यू नो 3/4 शॉर्ट स्लीव्स हैं, और टॉप है बट इट्स मोर लाइक अ शर्ट ऑल्सो। तो ये डेनिम्स के साथ बहुत प्यारा लगता है। उसी कलर में मेरे पास एक नया है, बिकॉज वो थोड़ा पुराना हो गया है, तो आई वॉज स्कैर्ड कि उस कलर का मेरे पास कुछ नहीं होगा, एंड दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स। तो मैंने एक और स्लीवलेस शर्ट लिया है, उसी कलर का सेम कपड़ा, एंड वही वो व्हाइट वाला जो कपड़ा था वो वाला कपड़ा है। बहुत प्यारा कपड़ा है, आई लव दिस काइंड ऑफ यू नो मटीरियल, सुपर सॉफ्ट और ऑफकोर्स ट्रांसपेरेंट भी है, तो यू हैव टू बी केयरफुल, यू नो आई हैव टू बी केयरफुल। और ये कट स्लीव्स है, थोड़ा सा वही यू नो थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे वाला है, एंड इसके अंदर यू नो एक वाइट इनर डाल के आप इसको डेनिम के साथ पहन सकते हो, कैजुअल में पहन सकते हो, आप ट्राउजर्स के साथ यू नो पहन सकते हो, बहुत प्यारा लगता है। वैसे तो प्लेन है, नॉर्मल बटन्स हैं। फिर ये एक शर्ट है, स्ट्राइप्स में है, दिस इज अ वेरी ओल्ड शर्ट दैट आई गॉट समवेयर, आई डोंट रिमेम्बर। बहुत ही प्यारा शर्ट है, इसका बैक का जो डिटेलिंग है ना वो बहुत प्यारा है। दिस वाज सपोज्ड टू बी अ स्कर्ट सॉरी शर्ट ड्रेस, बट मैंने इसको ना छोटा करा दिया, बिकॉज काट के छोटा करवा दिया। ये ऐसे आता है बैक पे, जिससे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है, समथिंग लाइक दिस। एंड देन ये एक और शर्ट है, शर्ट कम टॉप, या यू नो जो चाहे बोलो, बट आई ट्रीट इट एज अ फॉर्मल, तो टॉप नहीं, इसको मैं शर्ट ही बोलती हूँ। ये भी उसी कलर में है, वो जो स्काई ब्लू कलर है, इसका स्लीव्स देखिए ऐसे हैं, और पीछे इसको आप टाई करने के लिए है, तो इट गिव्स यू दैट परफेक्ट शेप यू नो यू वांट। एंड देन इज दिस ये जिंक का शर्ट है, दिस इज अगेन अ वेरी प्रिटी थिंग, इसको मैं स्कर्ट्स के साथ पेयर करती हूँ, शर्ट्स के साथ ट्राउजर्स के साथ पहनती हूँ, कुछ ऐसा है ये। है ना, पीछे से पूरा ब्लैक है, आगे से कॉम्बो में है। तो शर्ट्स तो बस यही है, एंड आई एम श्योर ये तो आप देख ही चुके हो, जो शर्ट ड्रेस है ये मेरा, ये तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना चुकी हूँ, आई एम श्योर आपने देखा ही होगा। एंड दिस इज प्रिटी चीप, मेरे ख्याल 200-250 का है, एंड दिस इज फ्रॉम सरोजनी, दिस इज सुपर कंफर्टेबल एंड आसन, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट है, बहुत लंबा है, मेरी तो हाइट भी छोटी है सो पूरा ही आ जाता है, बहुत ही प्यारा। दिस इज वन, एंड देन दिस इज वन, आई एम नॉट श्योर मैंने आपके साथ शेयर किया है नहीं, बट ये सब बहुत पुराने वाले हैं, दीज आर अगेन मैक्सी ब्रिस्ट। एंड ये वाला है, ये भी आप देख चुके हो, एंड दिस इज अनदर थिंग यू नो जो आई थिंक सब गर्ल्स के पास होना चाहिए, दिस इज अ प्लेन ब्लैक है, जिसको मैं विंटर्स में भी पहनती हूँ, मैं समर्स में भी पहनती हूँ। विंटर्स में यू नो आप एक जैकेट डाल लो इसके साथ और बहुत ही प्यारा लगता है, समर्स में आप ऐसे पहन सकते हैं। सो ये थे
मेरे फ्रॉक्स या गाउन बोल लीजिए, ट्राउजर्स में मेरे पास एक बेज वाला ट्राउजर है, शॉर्ट में है, मैं ज्यादा लंबे ट्राउजर्स नहीं पहनती हूँ, तो एक ये है। ये ट्राउजर है, एक बेज है, एक्चुअली दो बेज है, वो थोड़ा सा खुला वाला है, ये थोड़ा सा टाइट वाला है, वो थोड़ा लूज लूज है, ये थोड़ा लो वेस्ट है और थोड़ा सा टाइट है दोनों बेज। ये है एकदम डार्क ब्लू, इंक ब्लू कलर का ट्राउजर, ये भी बहुत ही प्यारा है, इसकी फिटिंग बहुत अच्छी है, दिस इज कलर प्लस, और इसकी फिटिंग ऑब्वियसली बहुत ही प्यारी आती है। ये सब बहुत पुराने कपड़े हैं, मैंने क्वाइट सम टाइम कुछ बहुत ज्यादा नया लिया नहीं है, तो बस ट्राउजर्स इतने ही हैं, ट्राउजर्स ज्यादा नहीं है, मैं सूट्स वाली ट्राउजर्स ज्यादा पहनती हूँ। ये कॉर्डरॉय में आपको नजर आ रहा हो तो, हाँ कॉर्डरॉय में स्कर्ट है, नी लेंथ का स्कर्ट है, ज्यादा लॉन्ग नहीं है, ऐसे आता है स्कर्ट। ये है फिर एक ग्रे कलर का स्कर्ट है, ये भी उतना ही है, यू नो नीज तक आता है, नीज तक आता है स्कर्ट। फिर है ब्लैक, मेरे पास ब्लैक दो है, एक शॉर्ट है और एक बहुत ही लॉन्ग है, तो ये है शॉर्ट वाला, इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही प्यारी फिटिंग आती है, नीज तक आता है ये। और एक है जो थोड़ी लंबी है, थोड़ी नहीं थोड़ी सी लंबी है ब्लैक सेम है, पीछे जिपर है इसमें, उसमें भी जिपर है, तो दिस इज अ लिटिल लॉन्गर, थोड़ी सी लंबी है ऐसे है, और साइड में पॉकेट्स हैं। ये मेरा एक प्लाजो है जिसको मैं यू नो कभी भी किसी भी चीज के साथ पहन लेती हूँ, टॉप्स के साथ भी अच्छा लगता है मुझे, और वैसे नॉर्मल यू नो शर्ट्स वगैरह टक करके, तो इट लुक्स लाइक अ ट्राउजर, ये ऐसे आता है। इसका मुझे ये वाला बहुत पोर्शन बहुत अच्छा लगा, इसमें आप इसको टाइट भी कर सकते हो और इसको आप लूज भी कर सकते हो। और एक जेगिंग है मेरे पास जो ऑब्वियसली फुल लेंथ की है और हाई वेस्ट है, यहां तक आती है, तो ये जेगिंग है। एक वाइट वाला डेनिम है, अब इसको मैं इसको फॉर्मली पहनती हूँ, एज ए डेनिम नहीं पहनती, तो वाइट है एंड ये भी लो वेस्ट है, लो नहीं ये मिड वेस्ट है, इट्स नॉट अ लो वेस्ट, इट इज मिड वेस्ट, सो दिस इज माय मोस्ट रीसेंट परचेज। ये एक और यू नो प्लाजो टाइप है, बहुत पुराना हो गया बट बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैंने अभी तक रखा हुआ इसको, और मैं इसको पहनती भी बहुत हूँ, तो एकदम खुला खुला नाइस ऐसा वाला है। और ये है डेनिम का स्कर्ट, तो इसको मैं इसको भी फॉर्मली पहनती हूँ, आई डोंट वेयर इट एट होम या इवनिंग्स वगैरह में नहीं पहनती, 99% यू नो मेरे कपड़े फॉर्मल ही हैं, बिकॉज सैटरडे संडे मिलता है, तो यू नो आप जो मर्जी है कुछ भी पहन लो घर में। ये ऐसा स्कर्ट है, ये भी मैं विंटर्स में भी पहनती हूँ और समर्स में भी पहनती हूँ, जब मैंने विंटर्स में डाला था
अभी उठा के इसको नहीं रख रही क्योंकि मैं समर्स में भी पहनूंगी। और एक ये नॉर्मल जेगिंग है जो मैं सरोजनी से लाई थी, बहुत ही बढ़िया जेगिंग है, बहुत स्ट्रेच होती है, आप कुछ भी लॉन्ग पहन के यू नो शर्ट वगैरह पहन के इसको अंदर डाल दो, बहुत बढ़िया लगती है। सो ये हो गए फ्रॉक्स, ये हो गए शर्ट्स, ये हो गए लोअर्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ टी शर्ट्स, टी शर्ट्स एंड टॉप्स। इतने सारे हैं ना, थक जाऊंगी मैं, बट इतने क्यूट वाले हैं। ये एक टॉप है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। ऐसा है इसकी फ्रिल, इसकी ये जो फ्रिल लगी है ना स्लीव्स के ऊपर, ये बहुत क्यूट लगती है मुझे, बहुत ही क्यूट, बहुत इसका फॉल बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें यहाँ डिटेलिंग है, बहुत प्यारा लगता है। आप उसको ट्राउजर्स के साथ पहनिए, बहुत मस्त लगती है। ओके और ये है एक पीच कलर का टॉप, ये थोड़ा वो सैटन वाला कपड़ा है अगर आपको नजर आ रहा हो तो, सैटन टाइप कपड़ा है और प्लेन है, वैसे तो प्लेन है। आई गॉट दिस फ्रॉम जापान, बहुत ही क्यूट और बहुत ही रिच लुकिंग है। इसको आप, मैं बेज ट्राउजर के साथ भी पहनती हूँ, ब्लू के साथ भी पहनती हूँ, स्कर्ट के साथ भी पहनती हूँ, बहुत प्यारा लगता है। फिर है ये एक क्यूट सा कैजुअल पिंक टॉप, दिस इज बेबी पिंक कलर, नॉट श्योर कलर्स क्यों नजर नहीं आ रहे हैं। ये कुछ ऐसा कलर है, पिंक कलर है, बेबी पिंक कलर, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे इसकी यू नो ये जो डिटेलिंग है, इसको आयरन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, बट वंस यू वेयर इट इट लुक्स वेरी प्रिटी। तो ये डेनिम्स के साथ में बहुत ही प्यारा लगता है। एक और है वही पीचिश कलर में, दिस इज अनदर ब्यूटी दैट आई हैव, वेरी प्रिटी, दिस ऑल्सो लुक्स वेरी प्रिटी, मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके स्लीव्स यू नो वही कट स्लीव्स वाले हैं, आई मीन थोड़े से आर्म होल्स थोड़े बड़े हैं, बट दे लुक वेरी प्रिटी। इसको आप टक करके पहन सकते हो, इसको आप यू नो मैं डेनिम के साथ पहनती हूँ, कभी टक करके पहनती हूँ। ये एक टॉप है, ये उल्टा है, इसको मैं सिर्फ ब्लू वाली ट्राउजर के साथ पहनती हूँ, बट है बहुत प्रिटी। आई थॉट मैं इसको ना व्हाइट वाली ट्राउजर के साथ भी ट्राई करके देखूंगी कैसा लगता है, अभी तक ट्राई नहीं किया, बट इसकी डिटेलिंग मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये देखिए बहुत ही प्यारी लगती है, और आर्म होल्स के ऊपर भी है एंड ऑफ कोर्स नेक के ऊपर भी है। ये नॉर्मल कैजुअल टी शर्ट्स हैं जो यू नो ऑन एंड ऑफ आप सैटरडे को अगर जा रहे हो या फ्राइडे वाले दिन पहन सकते हो, नॉर्मल है। एक ये टी शर्ट है नॉर्मल, ये वाइट बेज सॉरी ग्रे कलर की है, सेम ही है, दोनों एक साथ ही लिए थे, टैग भी लगा हुआ है, अभी हटाया नहीं है। तो ये दो टी शर्ट्स हैं, एक ये टॉप है, ये मैंने इंसेंस से लिया था, और इसकी इसका जो आई डोंट नो क्या कैसा सा इसका नेक है, बट बहुत ही प्यारा लगता है। इट कम्स लाइक अ हॉल्टर थिंग, पीछे भी मतलब बैक पे है, बट आगे से यू नो जो फॉल आती है इसकी, हॉल्टर वाली फॉल आती है। और यहाँ पे इस पे छोटा सा वो है, इट स्टिक्स है, यहाँ पे स्टिक हो जाता है, और थोड़ा सा यू नो यहाँ से आपको कंफर्ट हो जाएगा इन केस यू हैव अ टमी। तो मेरा तो ज़्यादा है नहीं तो पता नहीं चलता, बट लुक्स वेरी प्रिटी। और एक ये है, इसका कपड़ा मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, इसका यू नो इसमें एक बिल्ट इन शाइन है, एक पतला सा थ्रेड है जिसमें शाइन है, नॉट श्योर इफ यू कैन सी, हाँ ये देखिए
थोड़ी सी शाइन टाइप है, ये मैंने शायद पहले भी दिखाया हुआ है आपको, बहुत प्यारा ही है। यार अपने कपड़े तो सभी को प्यारे लगते हैं, बट मुझे जरूर बताना आपको क्या प्यारा लगा, आपको कौन सा अच्छा लगा। सो दिस इज आई डोंट वेयर इट टू ऑफिस, नहीं मैं ऑफिस अभी तक नहीं पहना, मैंने पता नहीं क्यों आ गया। एक ये है पिंक, ये भी आई थिंक मैंने दिखाया हुआ है, बहुत क्यूट है ये। दिस इज अगेन बेबी पिंक कलर और पूरा क्रोशिया है, ऐसा है। फिर एक ये है कुर्ता है, इसकी जो नेक के ऊपर डिटेलिंग है ना वो बहुत ही क्लासी वाली है, ऐसी डिटेलिंग है। नेक है व्हाइट कलर है ये। फिर एक बहुत डिसेंट वाला टॉप है, आई मीन अगेन यू कैन वेयर दिस विद अ लेगिंग और अ डेनिम और अ ट्राउजर, अच्छा लगता है। इसके आर्म होल्स थोड़े बड़े हैं सो ऑब्वियसली आपको अंदर कुछ पहनना पड़ेगा, अच्छा अदरवाइज बहुत डिसेंट है। दिस इज वन मोर, इसे पीछे वो लगा होगा पता नहीं कहाँ गया, वो शायद गिर गया होगा, बट इसको आप ऑब्वियसली आपको अंदर कुछ पहनना पड़ेगा एंड फिर उसके बाद आप ऐसे पहन सकते हो। एक शर्ट इधर भी आ गई, आई हैव टू ऑफ दिस टाइप, एक फुल स्लीव की थी और एक हाफ स्लीव की है। इसकी फिटिंग मुझे बहुत बढ़िया लगती है, बहुत ज्यादा प्यारी फिटिंग है इसकी। दिस इज अगेन दैट नेवी ब्लू विद स्ट्राइप्स, इसके स्लीव यू नो ऐसे हैं टायर वाले हैं और इसकी फिटिंग बहुत बहुत अच्छी है। ये बेज बेज वाली जो ट्राउजर है, बेज वाली ट्राउजर के साथ बेस्ट लगता है। अनदर शर्ट, ये शर्ट्स और टॉप सब मिक्स हो गए हैं। फिर से बेबी पिंक कलर है, बेबी पिंक है और ऊपर इसमें है ना वो शिफॉन टाइप कपड़ा है, चुन्नी वाला कपड़ा और नीचे नॉर्मल यू नो सैटन टाइप कपड़ा है, लेनिन वाला ये वाला, तो बहुत ये भी बहुत क्यूट लगती है। एक फुल स्लीव्स की ब्लैक टी शर्ट, जितनी हो उतनी कम है, ये तो नॉर्मल टी शर्ट्स हैं यू नो, आप वीकडेज पे वीकेंड्स पे ट्राउजर्स के साथ पहनोगे तो फॉर्मल हो जाएगी, डेनिम के साथ पहनोगे तो सेमी फॉर्मल हो जाएगी। ये एक और है, मरून कलर है, फुल स्लीव्स की है, लॉन्ग में है। दिस इज अनदर क्यूट बेबी, दिस इज नेवी ब्लू कलर का एक टॉप है, बहुत ही डिसेंट बहुत ही सिंपल है। द ओनली स्पेशल थिंग इन दिस इज इसके जो स्लीव्स है ना ये थोड़े से डिफरेंट हैं, लेस लगाया हुआ है, अदरवाइज बहुत सिंपल है। एक और मेरे पास ना बेबी पिंक और पीच कलर के बहुत ज्यादा है एक्चुअली, सो दिस इज ऑल्सो अ कुर्ती टाइप,
पीचिश कलर है, बेबी पिंकिश और पीचिश कलर के बीच में है ऐसे। आई एम श्योर आपको कलर दिख रहा होगा, ऐसा कलर है। ये भी चौबीस के साथ, जाने के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छा लगता है। इसको तो मैं पहन पहन के बोर हो गई हूँ, लेकिन फिर भी इतना चलता है ना, वो इतना सही लगता है। स्कर्ट्स के साथ बहुत अच्छा लगता है ये। मैं इसको ब्लैक शॉर्ट स्कर्ट के साथ भी पहन लेती हूँ, और लॉन्ग स्कर्ट है वो जो लंबी वाली, उसके साथ भी पहन लेती हूँ। ये शर्ट है, इसको भी मैंने इतना पहना है, इतना पहना है, ना फटती है ना पुरानी होती है, कुछ नहीं होता इसका, बहुत चल रही है। ये पर्पलिश कलर है, दिस इज ब्लूइश पर्पलिश, नहीं पर्पल टिंच बहुत थोड़ा सा है, अदरवाइज इट इज ब्लूइश, यू नो। और इसका जो हेम है ना, जो पीछे से और आगे से, ये ना ऊपर नीचे है, थोड़ा शॉर्ट है और आगे पीछे थोड़ा लॉन्ग है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है ये। या आप टक करके पहनो किसी भी चीज के साथ, या फिर डेनिम जेगिंग के साथ इसको बाहर लूज छोड़ो, बहुत प्यारा लगता है। दिस इज अनदर फुल स्लीव्स का रेड कलर, रेड नहीं मरून कलर का है टी शर्ट। दिस इज अ स्पेगेटी टॉप, इसको आप ऊपर यू नो जैकेट पहन के, नीचे जेगिंग पहन के कुछ भी पहन सकते हो। ये भी एक टॉप है, ये एक बहुत प्यारी सी टी शर्ट है, कलर मुझे बहुत अच्छा लगा। दिस इज क्रीमिश ऑफ वाइटिश कुछ कलर है, आई कांट से। दिस आल्सो यू नो समबडी हु केम फ्रॉम जापान गिफ्टेड मी। इसका मुझे यू नो ये जो कट आता है बहुत लूज आती है, बट बहुत अच्छी लगती है। ये भी है, दिस इज द जैकेट दैट आई वेयर, यू नो जो अंदर, यू नो आप स्पेगेटी टॉप वगैरह पहन के ये जैकेट पहन सकते हो, वो पहनती हूँ मैं। ये एक मरून कलर का स्पेगेटी टॉप है। मेरे पास में बहुत ज्यादा ब्रांडेड कपड़े नहीं है, बहुत चूज करके बहुत प्यार से सिलेक्टेड कपड़े मैंने रखे हुए हैं। ये डार्क ग्रे कलर में है टी शर्ट, और डेनिम के साथ बहुत अच्छी लगती है। दिस इज अ ब्लू टी शर्ट, डार्क ब्लू, हाँ नेवी ब्लू, जो 3/4 स्लीव्स में आती है। दिस इज अनदर क्यूट पीस, बहुत ही प्यारा पीस है ये, ब्लैक कलर का टी शर्ट है, इसमें आगे यू नो थोड़ा सा शिमरी है, तो बहुत क्यूट लगता है। ऑब्वियसली सिर्फ डेनिम्स के साथ है। सो आई थिंक दैट्स प्रीटी मच इट, हो गया, बस यही था आज के लिए, यू नो इतना सारा कलेक्शन। ये देखिए इतना सारा कूड़ा, अभी मुझे इसको उठा के रखना है, सब कुछ फोल्ड करके संभाल के। सो गाइस दैट वाज ऑल वी हैड फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज बताना आपका फेवरेट कौन सा है, क्योंकि मेरे तो सारे फेवरेट हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू नो मैंने इनको इकट्ठा किया है धीरे धीरे स्लोली, तो मुझे तो सारे बहुत पसंद है। आप मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सा अच्छा लगा, एंड आई होप यू गाइज आर टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ। I'll see you soon. Bye-bye.